डूड ये है जयपुर का पहला अंडर वाटर टनल एक्वेरियम। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ भैरव सर्किल प्रताप नगर जयपुर में। यहाँ पे लगाया रॉयल लोगो का रॉयल मेला। तो आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको यहाँ का पूरा टूर और बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या फन एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, क्या यहाँ का टिकट प्राइस है, क्या यहाँ की टाइमिंग है और क्या यहाँ का एड्रेस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। ये एरिया बना रखा है यहाँ पे एंट्री का, और ये एंट्री का एरिया पूरा देख सकते हो आप कितना सुंदर बना रखा है। दोनों साइड जो है पोस्टर लगा रखे हैं पूरे एक्वेरियम के, जिसमें काफी सारी जो है फिश की पेंटिंग्स है और काफी सुंदर लग रहा है एक्चुअली में ये एरिया। तो दोस्तों अभी जो है हम एक्वेरियम वाले एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा नॉइस है। मेरे सामने जो है कूलर चल रहे हैं और साथ में एसी भी चल रहा है, और ये पूरा देखो इस टाइप से बना हुआ है। सबसे पहले एक्वेरियम आप देख सकते हो, इसमें कितनी छोटी छोटी सी फिशेज है, बहुत छोटी छोटी है यार, ये तो बहुत स्मॉल है, लाइक देख सकते हो आप कितनी छोटी सी है। बिल्कुल एरिया बना हुआ है ये पूरा, कितना सुंदर बना हुआ है, कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी फिशेज है यहाँ पे, बड़ी फिशेज का एरिया पूरा भाई, बहुत सुंदर है यार ये तो। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा लाइफ में। एक्वेरियम आप देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वहाँ तक जा रहा है, ये वाला अकेला एक्वेरियम। वाह यार कितनी सुंदर लग रही है, हाँ गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। ओ वाह यार नाइस यार, सच में ये तो बहुत मस्त है यार। इस साइड जो है एक्चुअली में टनल बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है लोग खड़े हैं एक्चुअली में। अगर इनको टैप करेंगे ना, देखो आप सामने देखो ये लोग टनल में है अभी, बट अभी जो है हम यहाँ पे बाहर वाले एरिया में, ये पूरा एरिया लगा है और ये टनल में अभी हम जाएंगे। ये क्रोकोडाइल फिश है, इसकी मेरे को नेम नहीं पता बट एक्चुअली में इसकी शेप बिल्कुल वैसी है। आप इसका फेस देखो कैसा आगे से, और बिल्कुल वही साइज़ है, क्रोकोडाइल फिश बोलते हैं इसको, आई थिंक यही नेम होगा, इससे अलग नेम हो नहीं सकता भाई, कितनी तकड़ी लग रही है भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल अलग फिश, ब्लैक फिश, और ये देखो नीचे एसी लगा हुआ है कूलिंग के लिए। चलिए अगर आप बाहर जाओगे ना तो बहुत तेज गर्मी है, बट यहाँ पे जो बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इतने सारे एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल कूल कूल महसूस हो रहा है। छोटी छोटी सी, मेरे को नेम नहीं पता बट ये कितनी छोटी सी है, बिल्कुल पतली सी है यार ये तो, अरे कितनी सुंदर क्रिएचर है ये, मैंने कभी देखे नहीं, कभी फिश लाइफ में कभी नहीं देखी भाई, मुझे नहीं पता था ये क्रिएचर भी जो इतने सुंदर होते हैं यार। इस पूरे एरिया से मैं अभी तक नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्वेरियम लगे हुए हैं ना, मेन टनल तो अभी बाकी है उस साइड, और देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली सबसे सुंदर फिश तो अभी तक ये है, देखो कितनी सारी है भाई, बहुत सारी है, तो आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते इतनी सारी फिशेज है यहाँ पे यार। ओ भाई ये देखो भाई, हो ये क्या है भाई, ओ बाप रे कितनी क्यूट है यार ये, कितनी कलरफुल है यार, इनको देख के ना इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी क्यूट फिशेस है, आप लोग देखो कितनी क्यूट है यार ये, छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी फिशेज है और कितनी प्यारी लग रही है यार, सब तुम्हें कितनी क्यूट फिशेस है यार, इतनी इतनी सी फिशेज है और इतनी कलरफुल यार, क्यूट लग रही है ना, अगर आप देखोगे ना इनको बस कांच और नहीं हो सामने तो मजा आ जाए यार। यहाँ पे देखो ये खड़ूस फिश, और इसके जो है नीचे दाढ़ी भी है, आप लोग देखो दो बाल आ रहे हैं ऐसा कुछ बना हुआ है, बट यार ये काफ़ी मतलब अलग लग रही है, गुस्से वाली फिश लग रही है बिल्कुल, इसके चेहरे पे देखो बिल्कुल गुस्सा है यार, वाह यार। इस अभी जो है हम जा रहे हैं मेन टनल में, और ये है मेन टनल जहाँ पे आपको अलग ही लेवल का फील आने वाला है। ये वाला तो जो है पूरा पैसेज एरिया था, बट ये एक्चुअली में बिल्कुल मेन टनल है, और ये बिल्कुल सेमी सर्कल शेप में बनी हुई है और काफ़ी मस्त लग रही है। चलिए लेके चलते हैं आपको उसके अंदर। भाई इस एरिया में आप लोग देख सकते हो छोटी छोटी जो है कितनी सारी फिशेस है, आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते एक्चुअली में, और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही सुंदर है, बट ये थोड़ा सा कांच जो है ना थोड़ा सा गंदा हो रहा है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है ये फिशेस, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कलरफुल और कितने प्यार से स्विम कर रही है यार, इतना क्लोज मैंने बहुत कम देखा है। अभी क्या फूड ईट कर रही है शायद मेरे हिसाब से, आप लोग देखो, ओ भाई यार कितनी क्यूट लग रही है भाई, आप लोग देख सकते हो पूरी टनल है, और लगभग आई थिंक 100 मीटर के आसपास की टनल है, आपको मैं एंड तक लेके जाऊंगा। इधर जो है सारी ये छोटी फिशेस थी, मेरे को एक्चुअली मैं नेम नहीं पता, और मैं आपको कुछ गलत नेम बताऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। भाई इस जगह पे आपको मज़ा आए नहीं आए, बट लिटरली अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं, आपके फैमिली में बच्चे हैं ना, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब वो इतनी सारी फिशेस देखेंगे एक साथ तो आप सोच सकते हो उनके क्या एक्सप्रेशंस होने वाले हैं। अब आ चुकी है क्रोकोडाइल फिश बिल्कुल क्लोज से, मैं इसका देखो आप मुंह पकड़ लेता हूँ भाई, भाई यार कितनी तगड़ी फिश है यार, इसकी आईज है ना बिल्कुल कंचे की गोली जैसी लग रही है भाई, कितनी तो बड़ी फिश है यार ये, बाप रे भाई क्या लग रही है यार, भाई साहब you
अभी जो है हम टनल कवर करके आए और यहाँ पे जो है एक और पैसेज एरिया आ चुका है। तो एक्चुअली मैं आपको एक पैसेज एरिया, उसके बाद टनल, उसके बाद वापस एक और पैसेज एरिया मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप ये वाला व्यू वापस एंजॉय कर सकते हो। साथ में इधर भी जो है एक एक विंडो लगा रखी है एक्वेरियम की, वही फिशेस वाली। इसमें एक्चुअली में कम फिशेस हैं, बट इसमें जो है ना, इसमें भाई टनल वाला जो मज़ा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। मैं ना जो आपको एक्चुअली में ऐसा फील होता है कि आप लिटरली पानी के अंदर हो यार, और आप मछलियों को जब तैरते हो देखते हो तो ऐसा टच करते हो ना, ऐसा लगता है सच में आप टच कर रहे हो। जैसे आप फिश एक्वेरियम में से बाहर आते हो तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा रॉयल मेला का मार्केट एरिया। इसमें एक दुकान है जिसमें पूरी लेडीज वियर है, इधर कुर्ती वगैरह की है, कुर्ती सलवार वगैरह सब है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सब बच्चों की फेवरेट चीज़ है भाई, इसके बिना है ना किसी का भी बचपन नहीं गुजरा होगा भाई। सबसे बेस्ट चीज़ है ना ये लगता है। और इसमें जो छिवारे होते हैं ना, अगर आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, ये रहे छिवारे, ये रहे छिवारे, सबसे बेस्ट तो ये होता है भाई। ये यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी में रखे हुए, आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। तो ये है यहाँ पे खिलौने की शॉप और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज रखे हुए हैं, सब तरह के टॉयज रखे हुए हैं यहाँ पे। सब बच्चों की फेवरेट आरसी कार्स वगैरह रखी हुई है, बैटरी कार्स है। तो भाई यहाँ पे जो है हर तरह के अचार मिल जाएंगे भैया, सारे तरह के अचार है देख सकते हो। ये कहाँ का है? हल्दी का। ये लहसुन का, दो तरीके के लहसुन, गाजर का है, कैरी का है, ये भी कैरी का है। और भाई इनमें से जो खुशबू आ रही है ना भाई, नेक्स्ट लेवल आ रही है यार, मन कर गया एक बार टेस्ट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे जो है एक बुक फेयर की भी स्टॉल है और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी है, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से बुक वगैरह भी खरीद सकते हो। हम क्या करेंगे? खड़े होकर रीड भी कर सकते हैं क्या भैया? कोई खड़े होकर रीड भी कर सकता है कोई बुक? तो कोई रीड भी कर सकता है बुक यहाँ पे खड़े होकर आराम से अपना टाइम लेके, और ख़रीदनी है तो आप खरीद भी सकते हो। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है अलग अलग क्रॉकरी आइटम्स की, ये भी जो अपने बेसिक होम एक्सेसरीज होती है वो सब यहाँ पे है। ये अपने स्पोर्ट्स की शॉप्स आ गए यहाँ पे, ये गेमिंग वाली शॉप्स है, अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है। जैसे ही नाइट हो जाती है तो यहाँ पे पूरी जो है चहल पहल हो जाती है, बट मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए जो है इवनिंग के टाइम पे आया हूँ, जिससे यहाँ पे अभी कम भीड़ है। जैसे जैसे नाइट होगी भाई बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शन ये है, ट्रैम्पोलिन है, एक ही एरोप्लेन वाली राइड है और साथ में मिक्की माउस है। बड़ों की इसमें एंट्री होती नहीं है, ये एरोप्लेन और ये ट्रैम्पोलिन है। और यहाँ बीच में देखो खाने का बढ़िया लगा रखा है, बॉम्बे व्हेल का स्टॉल, आप इस चीज़ का भी मज़ा ले सकते हो थकने के बाद। और यहाँ पे आ चुकी है राइड्स, एडवेंचर राइड्स, और टिकट आप लोग देख सकते हो 50 रुपीज़ का है। अभी ऑन नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे क्राउड नहीं है, जैसे जैसे क्राउड आएगा राइड्स भी स्टार्ट होना चालू हो जाती है। बेसिक वही राइड्स है जो हर एक फेयर में होती है, डिफरेंट केवल एक राइड है वहाँ पे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। बाकी ये वाली राइड है, एक ट्रेन वाली है ये, और ये है नॉर्मल कोलंबस, छोटा बच्चों के लिए कार वाली है। भाई एक्चुअली मैं ना, इधर का मेन अट्रैक्शन तो जो है वो एक्वेरियम है, क्योंकि जयपुर में इससे पहले भी बहुत सारे फेयर लगे, बहुत सारे सर्कस लगे, अलग अलग तरीके के फेयर लगे, बट कभी भी जो है ये अंडर वाटर टनल एक्वेरियम नहीं लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हर मेले में होने वाली बेसिक राइड फेरी व्हील, यहाँ का टिकट प्राइस है 70 रुपीज़, और कोलंबस का भी जो है टिकट प्राइस है 70 रुपीज़। तो ये दोनों तो यार सबसे बेसिक राइड है, हर मेले में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बीच बीच में जो फूड स्टॉल्स लगा रखी, काफ़ी सारी आइसक्रीम की भी है और फ्रेंच फ्राइज़ है, पोटैटो ट्विस्टर है, ये सारी यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स लगा रखी है। और जयपुर में आज से पहले ये कभी भी मैंने जो है एडवेंचर राइड नहीं देखी, जितने भी जयपुर में फेयर वगैरह लगे हैं ना उसमें कभी भी ये वाली एडवेंचर राइड मैंने देखी। और एक्चुअली में फन किंगडम वाटर पार्क में भी ये वाली राइड नहीं है। तो इसका जो है टिकट प्राइस है 100 रुपीज़, और लगभग 7 से 8 राउंड ये लेने वाला है। आप देख सकते हो पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा है ये मेरे, बाकी काफ़ी डेंजरस राइड लग रही है, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई करना। बात कर लेते हैं यहाँ की टिकट प्राइस की, मैं बता दूं आपको, वाटर टनल एक्वेरियम जो है उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, पर आपको जो है इस पूरे मेले का टिकट लेना पड़ेगा जिसका 100 रुपीज़ है, और उस 100 रुपीज़ टिकट के साथ आपकी वाटर टनल एक्वेरियम की जो एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये था जयपुर का अंडर वाटर टनल एक्वेरियम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, आप मुझे यहाँ पे भी जो है क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, हरे कृष्णा।